पानीपत उझा रोड पर साईं बाबा का शहर में एक ही मंदिर है। इस मंदिर में भक्तों की संख्या में कभी कमी नहीं रहती। कोविड के बावजूद पिछले दिनों साईं जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ध्यान रखा गया। इसी बीच साईं बाबा मंदिर में बाबा के छत्र और चरण पादुकाओं पर चोरों की नज़र जा पहुंची और चोर दीवार फांदकर मंदिर के दोनों दरवाजों के ताले तोड़कर छत्र काट कर ले गए। इसके साथ ही जाते जाते चोर चांदी के गिलास चरण पादुका भी उठा ले गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें, चोरी करने से पहले एक चोर ने साईं बाबा की मूर्ति के सामने माथा भी टेका था। जी महाराज, यहाँ देर रात यहाँ पे एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कौन थे, कितना नुकसान हुआ, क्या क्या लेके गए हैं? हमारे मंदिर में रात को 9 बजे मंदिर बंद किया, आरती हुआ, सब ठीक था। सुबह जैसे हमने 5:15 बजे मंदिर खोला तो बाबा के चरण पादुका जो चांदी के थे, एक छत्र था बाबा का, एक बाबा का चांदी का गिलास जिसमें पानी भरकर रखते हैं रात को, और एक चांदी की प्लेट, 3 से 3.5 करोड़ के बीच में चांदी थी हमारी, वो लेके गए हैं। ताला तोड़ कर आए और 3 और 4 के बीच में चोरी। कितने आदमी थे? 2 बंदे आ रहे हैं। क्यों, कहाँ से, कैसे घुसे अंदर? पीछे के रास्ते से आए, पीछे का हमारा गुरुस्थान है, गुरुस्थान वाली दीवार से, दीवार को फांद गए और वो मंदिर के अंदर आए। ताला तोड़ा पहले उन्होंने, ताला तोड़ने के बाद पहले उन्होंने बाबा का छत्र उतारा, छत्र उतारने के बाद उन्होंने बाबा का चरण निकाले, चरण निकालने के बाद वो लिहाज कर लिए। 2 बंदे हमारे कैमरे के में नज़र आ रहे हैं। क्या पहचान हो पाई है किसी की? अभी तक कोई पहचान नहीं हो रही, लेकिन वो छानबीन कर रहे हैं सारी वगैरह लेके गए सभी लोग, चोर में लगे हुए। ऐसे हुआ, पुलिस को भी सूचना आपने दी है? सुबह चांदनी बाग थाने में गए, वहाँ से दरोगा जी को लेके आए, वो हमारे साथ आए, वो भी फोटो वगैरह सारा कुछ लेके गए, और जो लिखा करवाइए वो। नाम क्या? मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।